विश को मैनिफेस्ट करने का, आपके डिजायर को मैनिफेस्ट करने का सबसे इजी और आसान तरीका यही है कि जो भी सिचुएशन अभी आपकी प्रेजेंट चल रही है या जो भी आपका अभी जो भी थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस को, उस सिचुएशन को आप झूठ मान लीजिए और उसको धोखा दीजिए। यानी कि जो भी चल रहा है उसको धोखा देना है हमको और सोचना है कि जो भी आपकी विश है वो सच है और वो आपकी है। तो आज इसी टॉपिक पर हम एक मेथड यूज करेंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक है, जिसका यूज करके आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत ही फास्ट और इजीली। तो मैं हूँ पूजा शर्मा और स्वागत है आपका लाइफ हीलर एडवोकेट पर, जहाँ हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की। कई बार क्या होता है कि आप काफी कोशिश करते हैं आपके विश को मैनिफेस्ट करने की, काफी सारी टेक्निक्स लगाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से आपकी वाइब्रेशंस भी डाउन जाती है, आप एक नेगेटिव जोन में चले जाते हैं जहाँ आपके जो लिमिटेड बिलीव हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और आपके अंदर थॉट्स आते हैं कि मैं ये डिजर्व नहीं करता, ये विश बहुत मुश्किल है, कैसे मैनिफेस्ट होगी, या ये इतनी आसान भी नहीं है। अब अभी जो सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं वो तो बिल्कुल अपोजिट है, अभी तो कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा है। या सपोज कीजिए कि आपका जो रिलेशनशिप है, आप अपने एसपी से शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों की बात भी नहीं हो रही है, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। तो आप सोचेंगे कि जब हम बात ही नहीं कर रहे हैं तो हम मैनिफेस्ट कैसे करेंगे। यही तो आपका लिमिटेड बिलीफ है, क्योंकि आपके फ्यूचर सेल्फ में आपके पास वो डिजायर मौजूद है, वो आपकी हर आदमी की एवरी पॉसिबल पॉसिबिलिटीज हैं उनके फ्यूचर में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आज आप अपने प्रेजेंट में कौन से सिचुएशन को चूज करेंगे, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप जब सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपके फ्यूचर में आपकी सक्सेस भी है, तो आप अपने नेगेटिव बिलीफ से करंट में वाइब्रेशंस दे दे के कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, फिर वो और मुश्किल हो जाता है। सपोज कीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं जैसे जहां मैं बैठी हूँ और आपके विश यहाँ पर है, तो आपके और इस विश के बीच में इतनी सी ही दूरी है, लेकिन आप क्या करेंगे कि आप इसको बोल बोल के कि नहीं ये बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल सी लगती है, ये ऐसे दूर 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 जाती जाती है। तो यही आपके साथ होता है आपके विशेष के, जब आप लिमिटेड बिलीव रखते हैं। अब मैं जिस टेक्निक के बारे में बात कर रही हूँ वो टेक्निक है आई हैव की टेक्निक। यानी कि मान लीजिए कि आपकी जो भी विश है वो आपकी है और आपके पास है ना। सपोज कीजिए कि आप लाइफ में बहुत सारा पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप खुद से बोलिए, जब भी अफर्मेशन यूज करें तो बोलिए आई हैव लॉट ऑफ मनी। तो आप इस मेथड को ऐसे यूज करें कि आई हैव लॉट ऑफ मनी, राइट? कि जैसे आप लविंग रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बोलो आई हैव ए लविंग एंड हैप्पी रिलेशनशिप विद माय पार्टनर। होता क्या है कि यूनिवर्स जो है आपकी थॉट्स पर काम करता है, आपकी जो भी थॉट प्रोसेस होती है वो आपका एनवायरनमेंट बनाती है, आपकी दुनिया क्रिएट करती है। अगर आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी है कि मेरे पास चीजें नहीं है, मुझे चीजें आसानी से नहीं मिलती है, तो वो ही आपकी दुनिया बनाएंगे। यूनिवर्स को आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो यूनिवर्स आपको वो ही प्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमने द सीक्रेट बुक में पढ़ा था कि यूनिवर्स हमेशा कहता है कि जो हुक्म मेरे आका, एक जिनी की तरह काम करता है। लेकिन जब आप कहेंगे कि आई हैव ए लविंग एंड हैप्पी रिलेशनशिप विद माई एसपी, तो आपका रिलेशनशिप हैप्पी और लविंग हो जाएगा। जब आप कहते हैं आई हैव गुड लुक्स, तो आपके पास गुड लुक्स होते हैं, आप बोलते हैं कि आई हैव अ ब्यूटिफुल वॉइस, तो आपकी वॉइस बहुत प्यारी होती है। तो इसी तरीके से ये आपके फिजिकल बॉडी पर भी, जैसे आप लीन होना चाहते हैं तो आप बोलिए कि आई हैव अ लीन बॉडी, आई हैव अ हेल्दी बॉडी, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे, आपकी बॉडी का एवरी सेल उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू करेगा, आपके जीवन में बदलाव आएंगे उसी तरीके के कि जो आपको वो चीजें मैनिफेस्ट करके दे। अब आप ये है कि जैसे ये आई हैव जो मेथड है वो एक तरीके से एक्ट एज इफ मेथड की तरह है, लेकिन एक्ट एज इफ मेथड में हम क्या करते थे, हम एक्ट करते थे, जो कि कई बार पॉसिबल नहीं होता है, इमोशन क्रिएट करता है, हमको हमेशा फेक लगता है। लेकिन आई हैव मेथड में सिर्फ आपको अफर्म करना है, जब भी खुद से बात करें, सेल्फ टॉक करें, हमेशा बोले कि आई हैव ऑलरेडी दिस थिंग। अगर सपोज कीजिए कि आपके पास एक रिंग है, जैसे ये मेरे पास रिंग है, तो मैं बोलूंगी आई हैव दिस रिंग। तो अगर आपके पास ये रिंग है तो अब इसके बाद में नो इफ नो बट कुछ नहीं, ये है, ये मेरी उंगली में है। इसी तरीके से आपके पास जो भी आपके विश है, आपकी जो भी डिजायर है, वो आपकी है
और कोई उसको आपसे नहीं छीन सकता। तो आप जब भी खुद से बोलें तो भी आपके विषय उसके आगे जोड़िए आई हैव, और इस मेथड को यूज कीजिए। इस मेथड को यूज करके काफी लोगों ने अपनी मैनिफेस्टेशन की है, आप भी कीजिए, ये आपके लिए भी काम करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसी तरीके के लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के टॉपिक्स पर बात करना पसंद है या जानकारी लेना पसंद है तो बने रहिए आप चैनल पे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।